बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज के एपिसोड में हम लांसर के ऊपर बात करने लगे हैं। लांसर के कुछ फॉल्ट्स आते हैं, ऑटो फैन, डायरेक्ट फैन और फ्यूल स्टार्टिंग का इशू जो होता है, फ्यूल ना जाने की वजह से गाड़ी स्टार्ट ना होना, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। ये लांसर है 2004-05 मॉडल जो आया था। आपको इसकी बैक लाइट्स देख के, ये बड़ी फेमस है, स्पोर्ट्स लुक में आती हैं और आपको आइडिया हो गया होगा ये किस गाड़ी पर बात हो रही है इसकी लाइट्स की शेप देख के। ये लांसर है 2005 मॉडल वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर इसकी ये फ्रंट से लुक आ गई। इसके ऊपर एक तो हम बात कर लेते हैं इसका फ़ैन ऑटो या डायरेक्ट वो कहाँ से होना है और वो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। दूसरी चीज़ ये कि इसके स्टार्टिंग में जो फ्यूल का इशू आता है, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, तो उसकी रिले कैसे डायग्नोस होनी है, कौन सी उसकी रिले होती है, उसके ऊपर सारी आपको डिटेल बताऊँगा। सबसे पहले आपने जब भी कोई भी काम करना है ECM से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड, तो आपने बैटरी का टर्मिनल लाजमी उतार लेना है, नहीं तो वो रीसेट पे चला जाता है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बैटरी का टर्मिनल उतार लिया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ है जिसमें 5 रिलेज आती हैं। इनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके, ये इसमें ऐसे कैप लगा होता है प्रॉपर, इसको मैंने भी डिसम्बल किया हुआ है। ये क्लिप ऑन लगा होता है, इसको आप उतारेंगे ऐसे और इसके नीचे क्लिप्स होते हैं ये सारे, ये देखें आप साइडों पे क्लिप्स इसके आपको आ रहे हैं नज़र। यहाँ से इसको खोल के आप कैप को आराम से रिमूव करके नीचे कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है और ये इसकी रिलेज है। अच्छा, अब सबसे पहले और इसका जो फ़ैन का सिस्टम होता है, ये इसका फ़ैन होता है जो, ये भी एक तरह का इसको कंप्यूटर सिस्टम कह लें। यहाँ से बैटरी से पावर आती है इसके अंदर मेन, और यहाँ से आगे दो आउट निकलती हैं, एक रेडिएटर का और एक कंडेंसर का फ़ैन AC वाला, ये दोनों इसके सिस्टम होते हैं। तो इसको भी आप कंप्यूटर ही कह लें एक तरह का, या मॉड्यूल कह लें जो फ़ैन को ऑपरेट करवाता है। उसके बाद इसके आ जाते हैं स्विचेस, जहाँ से ऑटो या डायरेक्ट होना है फ़ैन, वो भी इसी मॉड्यूल से जो रेड तार आ रही है उसके थ्रू होना है। सबसे पहले इस टाइम फ़ैन ऑटो पे चल रहा है। ऑटो का मतलब ये होता है कि जब गाड़ी की सुई हाफ में जाएगी हीट वाली, तो फ़ैन इसका ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले इसकी तार लगाते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में आपको चेक करने का तरीका भी बताता हूँ कि गाड़ी ने फ़ैन अगर ऑटो है तो इसको कैसे चेक करना है कि वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये इग्निशन है इसका, इग्निशन ऑन कर लेंगे सबसे पहले। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसकी बेल्ट थोड़ी लूज़ है, बेल्ट की आवाज़ है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये इसका थर्मोस्टेट स्विच होता है जो सा, यहाँ से इस ग्रिप को आपने रिमूव कर देना है ऐसे। ये ग्रिप उतारी आपने, फ़ैन ऑन हो गया। जैसे ही आप ग्रिप वापस लगाएंगे, ये फ़ैन आपका ऑफ हो गया। इसका मतलब आपका फ़ैन इस टाइम ऑटो पे सही वर्किंग कर रहा है। जब ये हीट होगी गाड़ी, अभी तो इसकी हीट की सुई बिल्कुल नीचे है, जब ये सुई इसकी हीटअप होगी हाफ में जाएगी, तो ये स्विच इसको ऑटोमेटिकली फ़ैन को ऑन करवा देगा। यहाँ तक तो हो गया ओके। जैसे इसको उतारेंगे, ये फ़ैन आपका ऑन हो गया, दोनों फ़ैन आपके ऑन हो गए। और जैसे इसका उतारने का मतलब ये है कि यहाँ से इसको पल्स आ गई है कि फ़ैन ऑन करवा दो, गाड़ी हीट हो गई है, हाफ की सुई आ गई है, नॉर्मल हीट हाफ की होती है। जैसे इसको वापस लगाएंगे, इसका मतलब गाड़ी का टेम्परेचर डाउन आ गया। अब अंदर से जैसे ही मीटर से गेज हाफ में जाएगी, तो इसको ये ऑन करवा देगा। अच्छा, अब फर्दर बात कर लेते हैं, अगर हमने इस फ़ैन को डायरेक्ट चलाना है तो उसके लिए ये इसका रेड वायर आ रही होती है, इस जस्ट आपने इस रेड वायर को कट कर देना है यहाँ से। ये देखें, ये मैंने जैसे ही रेड वायर को कट किया तो फ़ैन इसका डायरेक्ट हो जाएगा, ये फ़ैन चल पड़ा है। अब इस वायर को मैंने काटा हुआ है, फ़ैन चलता रहेगा चलता रहेगा। ये देखें, अब ये फ़ैन चल रहा है, मैं स्विच बंद करूँगा, फ़ैन बंद हो जाएगा। ये मैंने गाड़ी बंद की और ये इसका स्विच बंद कर दिया मैंने। अब देखें, फ़ैन ऑटोमेटिकली 2-3 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, ये फ़ैन इस टाइम ऑफ हो गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट फ़ैन। जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है फ़ैन चल जाना, जैसे ही गाड़ी बंद करनी है फ़ैन बंद हो जाना। अब मैं दोबारा जैसे ही स्विच ऑन करूँगा, फ़ैन ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये स्विच मैंने ऑन किया और देखें फ़ैन ऑन हो गया। अच्छा, अब इसका नुकसान होता है, इसका नुकसान ये है, ये उस टाइम ये टोटका लगाया जाता है जब आप गाड़ी का इंजन ही गैस्केट का मसला हो, इंजन हीट हो रहा हो, उस टाइम ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप ये फ़ैन को डायरेक्ट कर सकते हैं ऑटो से ख़त्म करके। ऑटो का मतलब ये होता है कि जब सुई आपकी मीटर क्लस्टर के ऊपर आप देखें, जो गेज है आपकी हीट वाली, ये वाली जो गेज है, जब ये हाफ में जाएगी, एच और सी के दरमियान आएगी यहाँ पे करके, उस टाइम इसका फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन होगा और सुई थोड़ी सी नीचे आएगी, फ़ैन ऑफ हो जाएगा। जो हाफ में सुई जाती है वो इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इंजन अपनी फुल परफॉर्मेंस दिखाता है। नॉर्मली हम समझ रहे होते हैं कि जब हाफ में सुई आ गई इसका मतलब इंजन हीट हो गया, फ़ैन फ़ौरन डायरेक्ट करवाओ, ये गाड़ी ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाफ में जब सुई आनी है तभी इंजन ने अपनी परफॉर्मेंस में आना है, इंजन ने हीटअप होना है, नॉर्मल अपने टेम्परेचर पर आना है, तो ही इंजन अपनी परफॉर्मेंस देगा। अब जब हम फ़ैन डायरेक्ट कर देते हैं तो सुई नीचे गिरी रहती है, यहाँ से ऊपर ही नहीं उठती है और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता इंजन,
तो अब इसका मैंने फ़ैन ऑटो किया, ये हो गया फ़ैन का। अभी इसमें फ़ैन डायरेक्ट है, जैसे ही वो मैं तार लगाऊंगा तो फ़ैन इसका बंद हो जाएगा। जैसे मैं स्विच ऑन कर देता हूँ अभी आपको फर्दर दिखाने के लिए, ये देखें ये स्विच ऑन है इसका और ये तार इस टाइम उतरी हुई है रेड वाली। ये देख लें ये फ़ैन का मॉड्यूल है जिसने रेडिएटर के फ़ैन को ऑन, जैसे मैं तार को टच करूँगा ये दोनों फ़ैन बंद हो गए हैं। अब ये फ़ैन तब ऑन होंगे जब ऑटोमेटिक स्विच इसको पल्स देगा कि गाड़ी का इंजन हीट हो रहा है, इसको ऑन करो, वो फ़ैन को खुद ब खुद ऑन करेगा। इस तार को मैंने ऐसे यहाँ पे जोड़ के और यहाँ पे टेप लगा देनी है। अगर आपका गाड़ी का इंजन गैस हीट का मसला निकाल रहा है, बार बार गाड़ी हीट होकर बंद होती है, तो फिर आप इस तार को रेड वाली को यहाँ से काट दें ताकि आपका फ़ैन जो है वो डायरेक्ट हो जाए। अगर आपकी गाड़ी पानी कम कर रही है या इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं तो फिर आप इसको डायरेक्ट करें, वरना इसको हमेशा ऑटो पर चलें। डायरेक्ट फ़ैन का नुकसान ये होता है कि इस फ़ैन के अंदर मोटर होती है, डीसी मोटर, उसके अंदर कार्बन होते हैं, ये भी मोटर है और ये भी मोटर लगी हुई है, ये फ़ैन की मोटर है, ये देखें आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर कार्बन चल रहे होते हैं। अब जब आपका फ़ैन हर वक्त ऑन रह रहा है, वो कार्बन बिला वजह के आपके वेस्ट कर रहा है, और आप किसी टूर पे जा रहे हैं या कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके कार्बन खत्म हो गए, फ़ैन आपका वहाँ बंद हो गया और आपकी गाड़ी हीट हो गया। अब आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं है, बगैर फ़ैन के गाड़ी को आप चला ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि फ़ैन को ऑटो ही रखें, जितनी उसको ज़रूरत है उतना फ़ैन चलेगा, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है फ़ैन उसका बंद हो जाएगा। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं, ये तो इसका प्रॉब्लम हो गया फ़ैन वाला, इसको फ़ैन को ऑटो आपने रखना है अगर गाड़ी के इंजन में मसला नहीं है। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ये एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं, कोई इसको ECU कहता है कोई इसको ECM कहता है। तो सबसे पहले ECM को एक्सेस करने के लिए बैटरी का कोई एक टर्मिनल आपने उतारना है, इससे बगैर नहीं आपने ECM को एक्सेस करना। ये इसका मिट्सुबिशी लांसर के अंदर ये इस तरह लगा होता है, यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स के अंदर इसका ECU लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा होता है इस गाड़ी के अंदर, ये ऐसे होता है। इसको आपने जस्ट ऐसे खींचना है, इसको बाहर निकाल लेना और इसके ये लॉक्स होते हैं, लॉक्स खोल के इसका ये कार्ड आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप डायग्राम में देखें तो ये लिखा होगा ECU, ये अपनी इसको ECU कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये देखें ECU आपको नज़र आ रहा होगा ECU। कुछ गाड़ियों वाले इसको ECM के नाम से लिखते हैं, कुछ ECU के नाम से कहते हैं। अच्छा, अब इस कार्ड को आपने बाहर निकाल लेना, मैंने इस कार्ड को निकाल के खोल लिया, ये देखें ये इस तरह का कार्ड होता है, इसके नीचे ये ब्लैक ट्रे लगी होती है और ब्लैक कवर होता है, ऊपर वाली साइड पे ग्रीन कवर होता है, ये दोनों मिलके इस कार्ड को वाटर प्रूफिंग या सिक्योर करते हैं। वाटर प्रूफिंग तो नहीं कह सकते, किसी हद तक नमी वगैरह इसके जाने से रोकते हैं, इसका सेफ्टी कवर होता है इसका ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये इसका कंप्यूटर सर्किट है जिसने आगे पल्स देनी होती है पाँचों रिलेज में से किसी एक को कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करवाए। तो इस टाइम हमारी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पेट्रोल वाली रिले होती है वो ये वाली रिले है, दूसरे नंबर वाली ये वाली। ये कैसे पता चलता है दूसरे नंबर वाली रिले है? इसको आप कार्ड को वापस अपनी जगह पे लगाएं, अगर ये कार्ड इस तरह मतलब लगा हुआ है तो यहाँ से ये, इसको अगर आप पहला नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो ये दूसरे नंबर वाली है, अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये फोर नंबर वाली रिले है। ये वाली जो रिले है इसको पॉइंट कर लें, ये आपकी पेट्रोल वाली रिले है। इसका कैसे पता चलेगा? आपने जब इस ECM को निकालना है, इसकी सारी रिलेज कम यूज़ होती हैं सिवाय एक पेट्रोल वाली की, पेट्रोल वाली ने हमेशा एक्टिव रहना होता है। तो आपने क्या करना है, जब आप ECM को निकालेंगे लांसर के अंदर, ये होंडा में ऐसे नहीं होता, होंडा में जो रिले होती है पेट्रोल वाली वो डैशबोर्ड के अंदर अलग से पड़ी होती है। अच्छा, इसके आप सारे पॉइंट्स देखें, सारे पॉइंट्स इसके कार्बन के कॉपर के कलर के हैं, ये देखें ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, सिवाय इस दूसरी वाली रिले के इसका पॉइंट ब्लैक हुआ हुआ है, ब्लैक कलर का, क्योंकि ये रिले सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए इसका ये पॉइंट ब्लैक हो गया हुआ है चल चल के यूज़ हो गए। तो ये निशानी होती है जब आप फ्यूल वाली रिले को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स देखने, पॉइंट्स देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो रिले है ये इसकी फ्यूल की सप्लाई को आगे भेज रही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ही यही वाली रिले हो रही होती है। तो अब आपने इसको रिपेयर करना है, ये देखें इसके आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दूसरे नंबर रिले के, इसके पॉइंट्स काफ़ी इस टाइम ब्लैक हो गए हुए हैं। आपने क्या करना है, पेट्रोल से भरा हुआ एक ब्रश लेना, दांतों वाला ब्रश, दांत साफ़ करने वाला, उसको पेट्रोल में डिप करना अच्छी तरह और इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह फेर देना है। या अगर आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास MBC मदरबोर्ड क्लीनर के नाम से केमिकल होता है, वो पड़ा हुआ है, तो उसको आप ब्रश पर लगा के इसके ऊपर अप्लाई करके इसको साफ़ करें अच्छी तरह। लेकिन अगर इसका सिक्का घस गया हुआ है तो फिर इस रिले को चेंज करें, ये रिले नीचे से काटनी पड़ती है, काट के इसको बाहर निकालें आप, और ऊपर तारों से रिले को आपको दोबारा पेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी रिले नहीं है कि ये प्लग इन प्ले हो जाए कि मतलब इसको खींचे और बाहर आ जाए, ये फिक्स है कार्ड के अंदर। तो इसको कटर की मदद से आपने नीचे से इसके पॉइंट काट देने हैं, रिले बाहर आ जाएगी, ये दूसरे नंबर वाली ये वाली रिले की बात कर रहा हूँ, ये बाहर आ जाएगी और नई रिले रख के आपने तारें लगा के इसको यहाँ पर सोल्ड कर देना है, तो इस तरह आपकी रिले चेंज होगी। फिलहाल इसके जो सिक्के हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनके ऊपर रस्ट आया हुआ है,
तो ऑक्सीडेशन उस पर काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो उसको रिमूव करेंगे तो ये रिले प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगी। अभी भी ये वर्किंग कर रही है लेकिन कभी कभी मिसिंग कर देती है, तो इसको वॉश करके फिर आपने धूप में रखना है। जब इसका पेट्रोल या आप इसको MBC से वॉश कर रहे हैं तो जब वो खुश्क हो जाएगा धूप में रखने के बाद, तो फिर आपने इसको वापस इसी तरह कवरों के अंदर लगा के तो इसको यहाँ पर अपनी जगह पर इंस्टॉल कर देना, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है पेट्रोल ना जाने की वजह से, तो यहाँ से आपकी पेट्रोल की सप्लाई ओके हो जाएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो फिर आपको फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा, तो वो फ्यूल पंप तकरीबन 1000 रुपये का आता है, बॉश कंपनी का यूनिवर्सल होता है, वो किसी भी गाड़ी में लग जाता है, तो वो पूरी फ्यूल गेज आपको चेंज नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको फ्यूल पंप उसमें इतनी सी एक मोटर सी होती है, वो आपको मोटर चेंज करनी पड़ेगी, आपका फ्यूल का मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले रिले से प्रॉब्लम आती है, रिले जल जाती है इसकी, जो मैंने आपको दिखाया ऑक्सीडेशन हो जाती है उसके पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद अगर फिर भी गाड़ी नहीं चल रही है तो फिर उसके वहाँ से मसला आ रहा होता है कि वो टैंक से उसके जो फ्यूल पंप होता है वो ख़राब हो गया। उसके अलावा इस गाड़ी में थोड़े से इंजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर इंजन की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत बुरी टेक्नोलॉजी मुझे लगी है। फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो वो एवरेज इसकी ठीक है गाड़ी की, लेकिन इसमें जो मसले हैं वो सेम वही वाले लियाना वाले या उसके वाले बलिनो वाले कह लें। ये देखें दो कॉइल हैं इस गाड़ी में, एक ये कॉइल है एक ये कॉइल है, इन दो कॉइलों के ऊपर 4 प्लगों का लोड है। यही मसला लियाना के अंदर और यही मसला बलिनो के अंदर आता है, तो ये गाड़ी नाकाम रहती है यहाँ पे। ये देखें एक कॉइल प्लग के ऊपर जा रहा है और वहाँ से एक लिंक वायर निकाल के इन्होंने उस वायर को सीधा दूसरे प्लग के ऊपर दिया हुआ है। इसी तरह ये कॉइल जो है प्लग के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ से ये लिंक वायर निकाल के इन्होंने तीसरे प्लग के ऊपर दी हुई है, तो ये टोटल 2 कॉइल्स हैं और 4 प्लग इससे ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये फॉल्ट है जो लियाना में बलिनो में और मित्सुबिशी लांसर के अंदर ये फॉल्ट्स आते हैं। तो ये होता ही है कि जब इंजन हीट होता है थोड़ा सा गर्म होता है अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस में आता है तो ये कॉइल काम करना छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी बदनाम रहती है गाड़ी। और दूसरी इसमें नेगेटिव पॉइंट जो मैंने देखा है वो ये नज़र आया कि इसमें टाइमिंग बेल्ट दी हुई है इन्होंने, ये देखें टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है, हालांकि यहाँ पर टाइमिंग चेन होनी चाहिए थी क्योंकि ये 2005 वाला मॉडल है, 2005 में एटलीस्ट इनको टाइमिंग चेन देनी चाहिए थी। ये वही वाला काम हुआ जो होंडा सिविक 2005 में किया इन्होंने, उसमें भी यहाँ पर टाइमिंग बेल्ट दी हुई है इन्होंने, टाइमिंग चेन नहीं दी है। उसकी बेल्ट चूँकि उल्ट साइड पे होती है, उसकी बेल्ट आपको इस साइड पे आके मिलती है, इसकी बेल्ट आपको उल्ट साइड पे इस साइड पे आके मिल रही है सिविक और इसको कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। लेकिन जो रिबोन वगैरह है या क्रोला GLI वगैरह है उनके अंदर यहाँ पर टाइमिंग चेन आ रही है। उसका मसला ये है कि वो अगर प्रॉब्लम कर रही है तो वो कम अज़ कम टूटती नहीं है। ये टाइमिंग बेल्ट का मसला ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है, इसकी लाइफ होती है 80,000 किलोमीटर और आप लाइफ से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 80,000 किलोमीटर से ऊपर इसको यूज़ कर लेंगे तो ये कड़क करके टूट जाएगी और आपका पूरा इंजन का खाना ख़राब हो जाएगा, वॉल्व टेढ़े हो जाएंगे। किस्मत वाले हैं अगर आपका इंजन आपका बच जाए, वरना मोस्टली इसके वॉल्व वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। तो ये इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगे हैं लांसर के अंदर, और पॉजिटिव ये है कि इसकी एवरेज अच्छी लगी है मुझे, जैसे कि एक नॉर्मल गाड़ी की एवरेज होनी चाहिए वैसे गाड़ी अच्छी लगी है मुझे। जैसे मतलब जैसे होंडा सिविक 2005 मॉडल है वो पेट्रोल का कबाड़ा करता है, D17 इंजन जो है उसके अंदर D15 की एवरेज उसमें अच्छी है, तो इसकी जस्ट वैसे ही कह लें आप D15 के एवरेज के बराबर आती है, अच्छी एवरेज निकालता है, बल्कि D15 से भी ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी एवरेज लगी है। तो इसकी एवरेज ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एवरेज इसकी अच्छी है। AC इसका बहुत ज़बरदस्त है, इंटीरियर इसका थोड़ा सा मतलब कह लें कि अच्छा है, लेकिन फिर भी खैर इंटीरियर बेहतर है इसका, ये आप देखें ज़रा। डैशबोर्ड वगैरह अच्छा दिया हुआ है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट अगेन, डैशबोर्ड के अंदर आप LCD नहीं लगा सकते ना एंड्रॉयड पैनल लगा सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा यूनिट लेना पड़ता है इसका पूरा। जैसे होंडा 2000 मॉडल सिविक के अंदर आता था वो पूरा आपको प्लास्टिक का यूनिट मिलता है, कंसोल मिलता है उसके अंदर, बॉक्स वगैरह के अंदर फिर आपका यूनिट फिक्स होता है सारा, मतलब एक मतलब चेंज हो जाता सारा सिनेरियो। तो उसके अंदर कम अज़ कम इनको यहाँ पे एक बॉक्स देना चाहिए था जिसमें आप LCD लगा सकते, बिल्ट इन देना चाहिए था, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा इसके अंदर। वैसे डैशबोर्ड की लुक अच्छी है, गाड़ी का इंटीरियर अच्छा लगता है, तो बेहतर है, बहरहाल नॉर्मल चलाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप इन चीज़ों को देखें तो क्रोला XLI GLI जो 2002-03 मॉडल आया था वो इनसे बेहतर है, उसमें यहाँ पे आपको LCD की जगह भी मिलती है, टाइमिंग चेन भी मिल जाती है, आपको पेट्रोल एवरेज भी बेहतर है। और अगर आप होंडा में देखें तो होंडा में अगर आप लेते हैं सिविक 2005 मॉडल तो उसमें भी सेम यही फॉल्ट्स हैं, टाइमिंग बेल्ट है उसके अंदर और इस तरह का, उसमें मैकेनिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो ये गाड़ी फिर भी उस हिसाब से बेहतर है सिविक वगैरह से, क्योंकि इसकी पेट्रोल एवरेज बेहतर है। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आपको बताएं, पॉजिटिव पॉइंट